हमारे डेट लिखते हैं और ड्रैग करते तो हमें पूरा डेट आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं सैटरडे और संडे का जो डेट होता है वो सैटरडे संडे का डेट नहीं आना चाहिए लिस्ट के अंदर। ओके, मैं चाहता हूं सैटरडे एंड संडे का डेट नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो ये डेट में सैटरडे एंड संडे है, एक कैसे पता चलेगा? वो है हमारा इफ आपका टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डी 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 तीन बार देंगे तो सैटरडे एंड संडे बता देगा क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो इसमें प्लस वन हो, प्लस टू होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक होना चाहिए। अदरवाइज ब्लैंक नहीं, अदरवाइज जो डेट है उसमें प्लस वन ही करना है। और यहां पे हम डेट डालना शुरू कर देंगे, डेट को ड्रैग करना। यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें चार आया, पांच नहीं आया, चार नहीं आना चाहिए ना, चार सैटरडे था ना, तो चार जनवरी क्यों आया? सर इसमें आपने और नहीं लगाया ना? इसमें एक दिक्कत है कि और नहीं, यहाँ पे हम प्लस वन नहीं, यहाँ पे प्लस वन कर देंगे ना, क्योंकि हम ऊपर वाले डेट को ही देख रहे हैं ना। अब सही चलता है, अब यहाँ पे पांच आ गया। सर इसमें एक ही क्राइटेरिया मैच कर मिस कर दिया ना आप लोग। अब सही है, करना होगा ना। तो तीन के बाद सीधे छह आया, चार और पांच मिसिंग है इसमें। ये तीन लगाने का क्या यहाँ पे लॉजिक है सर? बताता हूँ मैंने क्या बोला। हमने बोला कि ऊपर वाली वैल्यू, हमने बोला कि ए टू प्लस वन, और उसका अगर डेट जो हमारा है, मैं दो डेट को स्किप करना है। यहाँ पे देखिए हमने किया हुआ है, दो डेट को स्किप करना है, राइट। तो हमने बोला कि ए टू अगर इक्वल टू सैटरडे है तो ए टू में प्लस होना चाहिए। मान लीजिए कि चार तारीख सैटरडे है तो यहां चेक करेगा ना, तो हमें अगला छह तारीख का डेट चाहिए ना। चार और पांच दो सैटरडे है हमारा, समझे? तो हमने बोला ए वन में प्लस वन किया और बता सैटरडे है, तो यहाँ ए फोर में अगर टू करते हैं तो क्या होगा? फोर और फाइव, फाइव तो दिखेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें प्लस टू किया तो पांचवा आपको दिखेगा ना सर, थ्री टू टू फाइव। ओके ओके, गॉट इट। मैं तीन देना होगा तभी अगला डेट दिखेगा ना, दो स्किप करेगा अगला दिखेगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अगले फरवरी की डेट आ जा रही है, फरवरी की डेट आ जा रही है, मुझे फरवरी का डेट नहीं आना चाहिए, तो यू मंथ लगा देंगे बाद में। तो सैटरडे एंड संडे को हमने यहां से स्किप कर दिया। आप मैच कर सकते हैं कि इसमें चार और पांच नहीं है, छह है, और अगला सैटरडे संडे कब है? ग्यारह और बारह। तो यहां पे देखिए दस के बाद ग्यारह बारह नहीं है, तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नहीं है, देखिए अठारह उन्नीस नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठता है, मतलब कि हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया जो सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करता है। ओके, समझ में आ गया?